वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर और हाउसिंग मंसूबे के लिए फंड मुख्तस कर दिया है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल को क्लिक कीजिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर और हाउसिंग मंसूबे के लिए फंड मुख्तस कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की तरक्की के लिए 25 अरब रुपये मुख्तस करने के वफाकी हुकूमत के फैसले का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री की दर्जाबंदी करने की हिदायत की और मुतालका अहदेदारों से मुतालबा किया है कि वे इस अहदे की फराहमी के लिए ज़रूरी ऑपरेशनल इकदाम करें। वज़ीर आज़म ने एक इजलास के दौरान कहा कि तामीराती शोबे को वही सहूलियात मिलेंगी जो पाकिस्तान में दीगर सनअतों को हासिल हैं। मुशीर बराए खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जनरल अनवर अली हैदर और अंजुमन साजी और डेवलपर्स के नुमाइंदे मोहम्मद हसन बख्शी समेत मुतअद्दिद सीनियर अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। मजीद ये कि मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर दरपेश मसाइल के बारे में आबाद के नुमाइंदों से मुतअद्दिद मुलाकातों के दौरान होने वाली बेहतरी से शुरुका को आगाह किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि फिक्स्ड इनकम टैक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुतालिक दीगर मसाइल के बारे में मुस्तकबिल की कार्रवाई का उसूल प्रिंसिपल में पेश किया गया।